हेलो बच्चों, तैयारी जीत की। आओ चलते हैं मॉक वन पे। आज से बच्चों मॉक वन मॉक टेस्ट पेपर आपके नीट के शुरू हो रहे हैं और मॉक से अपने तैयारी को जीत की ओर ले जाइए। और जीतना है आपको, जितना हो सके उतना मॉक टेस्ट पेपर दीजिए। बेटा 25 मॉक होने हैं। ये 25 मॉक का मतलब समझ लो, एक मॉक में 200 क्वेश्चन हैं तो 25 मॉक में आपके कितने क्वेश्चन हो गए? टोटल आपके 5000 क्वेश्चन हो गए बेटा, 5000 प्रॉब्लम हो गए, समझ रहे हो ना? तो बेटा 5000 प्रॉब्लम इसमें हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उसी टाइप का मिलेगा, एकदम यही मिलेगा, हाँ, लेकिन इससे रिलेटेड प्रॉब्लम जरूर मिलेंगे। अगर आप सीरियसली ये मॉक दे देंगे तो पक्का है, एकदम पक्का है, बहुत ही पक्का है बेटा कि आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। मॉक छोटा छोटा, छोटे छोटे क्वेश्चनों पे, कैलकुलेशन क्वेश्चनों पे, फार्मूले बेस्ड क्वेश्चनों पे ध्यान दिया है हमने फिजिक्स में, और उसी टाइप के क्वेश्चन आजकल ट्रेंड में हैं, चले हुए हैं। और जैसे जैसे मॉक हो रहा है वैसे वैसे आप लोग टेस्ट को आगे की तरफ ले चलिए, ठीक है ना? वैसे वैसे फार्मूलों को लगाइए, मॉक से सीखिए। कुछ प्रैक्टिकल टॉपिक है उसको भी हमने डाल दिया है, जो क्वेश्चन है प्रैक्टिकल टॉपिक जो इंक्लूड हुआ है। तो जैसे जैसे हो रहा है बच्चा लोग वैसे वैसे करिए। चलिए मॉक टेस्ट 01 पे स्टार्ट करते हैं आज का। आज 1 अप्रैल बेटा, ठीक है? आज के दिन आप सभी लोग ने बहुत ही बढ़ चढ़ के टेस्ट में हिस्सा लिया तो पेपर भी घट गया, लेकिन अब ऐसा नहीं कि पहला दिन था तो जानते ही बहुत ज्यादा लोग आ जाते हैं, दूसरे दिन सबका जोश खत्म होता है। बेटा जोश को कंटिन्यू रखना है, नंबर कम आए ज्यादा आए एकदम टेंशन नहीं लेना है, पढ़ते रहना है। रनर इज विनर, ये ध्यान देना, जो रनर है वही विनर है। ये नहीं कि नंबर कम आया तो पहले टेस्ट में आज क्या है, आप देख रहे हो तो 2 बजे से आज इतनी ज्यादा संख्या हो गई कि फिर 3 बजे से दूसरा पेपर शुरू करना पड़ा, फिर से पेपर निकलवाना पड़ा, पेपर घट गया। तो बेटा ऐसा जोश को कंटिन्यू रखना, बस जोश को कंटिन्यू रखोगे तो सेलेक्ट हो जाओगे बेटा। और मुझे कुछ कहना ही नहीं है, वो पढ़ना धीरे धीरे आने लगता है बेटा। मैं आपको बार बार कहता हूं, डॉक्टर बनने के लिए इंटेलिजेंट होना जरूरी नहीं है, डिसिप्लिन जरूरी है। मैं अपने जीवन काल में मैंने ये देखा है पढ़ाते हुए बच्चों को बेटा, बहुत कमजोर कमजोर बच्चे के आज बहुत बड़े बड़े डॉक्टर हैं। आज तो MS भी कर चुके हैं, MD भी कर चुके, DM भी कर चुके बेटा, पढ़ाए हुए छात्र बहुत आगे हैं। और कभी कभी मैंने उनका बैकग्राउंड देखा, मैंने सोचा तो कहा कि ये कितने कमजोर थे जब आए थे, पहली बार मुलाकात हुई थी, मतलब शारीरिक रूप से कमजोर नहीं बेटा, मानसिक रूप से कमजोर। लेकिन उन्होंने अपने डिटर्मिनेशन और डिसिप्लिन को छोड़ा नहीं बेटा, और डिटर्मिनेशन डॉक्टर बनने का, डी फॉर डिसिप्लिन, और बेटा डी फॉर डॉक्टर पक्का। ये 3D बड़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 3 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, इस चीज को ध्यान देना। तो अब यहां पर अब चलते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, क्या कैसे इसमें चीजें दी गई हैं। तो पहला मॉक का टेस्ट बेटा, वन वेसल गैस इज प्रेशर पी, द मास ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज हाफ एंड देयर स्पीड इज डबल देन द रिजल्टेंट प्रेशर। आप जानते हैं बेटा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में प्रेशर कितना होता है, प्रेशर पी इक्वल टू 1/3 एमएन VRMS का स्क्वायर, ठीक है, बाई V होता है। क्यों? तो क्वेश्चन का मास को आधा कर दिया गया है, वेलोसिटी को डबल कर दिया गया है। तो बेटा मास को अगर आधा किया जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रेशर पी डैश इक्वल टू, ये देखो m/2 हो गया, वेलोसिटी को आप डबल करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 VRMS का होल स्क्वायर। इसका मतलब इसको डिवाइड करोगे, दोनों को डिवाइड करोगे तो पी डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलो 2P हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2P। छोटा छोटा क्वेश्चन देखो, फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। अब ये नहीं लग रहा है तो एनालिसिस करो आखिरकार क्यों नहीं लग रहा है, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का ये फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। अब चलते हैं आगे, ये देखो कन्वर्जन ऑफ गैलोमीटर टू अमीटर, सेल्वस में है आपके, कोई भी सेल्वस के बाहर हमने नहीं दिया है, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ए गैलोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 35 ओम, मतलब ये जी दे दिया है, शंटेड बाय ये इतना, यस दे दिया है, द पार्ट ऑफ टोटल करंट दैट फ्लो। तो आप जानते हैं कि जब भी शंटिंग होती है तो हमेशा पैरेलल में होती है, ये देखो गैलोमीटर के पैरेलल में हम शंट कर रहे हैं, देखो शंट जोड़ रहे हैं, ये आई करंट है तो इसमें कितना होगा आईजी, ये बताओ कितना होगा I-IG, देखो दोनों पैरेलल में है, दोनों पैरेलल का मतलब क्या हो जाएगा, ये देखिए पैरेलल का मतलब IgG इक्वल टू कितना हो जाएगा I-IgS yes हो जाएगा, देखिए IgG इक्वल टू कितना हो जाएगा I-IgS, देखिए बेटा IgG इक्वल टू कितना I-IgS इंटू कितना, यस IgG इक्वल टू I-IgS इंटू कितना, यस ये देखो दोनों पैरेलल में हो गए, दोनों कैसे हो गए पैरेलल में हो गए बच्चा, तो IgG इक्वल टू I-IgS इंटू कितना, यस ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गए, ठीक है।
अब यहां से आप क्या है सॉल्व कर सकते हैं, सारी वैल्यू रख के सॉल्व कर लीजिए, हमको आई जी बाई आई निकालना है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 1/11 फोल्ड हो जाएगा, ठीक है ना, 1/11 फोल्ड हो जाएगा। तो सेकंड का कितना हो गया बेटा, सेकंड का सी वाला थर्ड। द पावर फैक्टर ऑफ सर्किट शोन इन द फिगर इज, पावर फैक्टर ध्यान दीजिएगा, पावर फैक्टर आपको बताना है, पावर फैक्टर ऑफ सर्किट इज शोन इन द फिगर। तो पावर फैक्टर क्या होता है आप सभी लोगों को पता है, कॉस फाई क्या होता है, ये देखिए कॉस फाई, कॉस फाई इज इक्वल टू क्या होता है, ये देखो कॉस फाई इज इक्वल टू होता है आर बाई जेड होता है, ये देखिए कॉस फाई इज इक्वल टू आर बाई कितना होता है जेड, मतलब कॉस फाई जो है आर बाई जेड के बराबर होता है। जेड कितना होता है ये देखिए, जेड इज इक्वल टू अंडर रूट एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर और प्लस आर का स्क्वायर। अब इसमें सारी वैल्यू को रख दीजिए, सारी वैल्यू को रखेंगे तो थर्ड का ये आपका 0.6 आएगा, ठीक है ना, चेक कर लीजिएगा सारी चीजें। हाँ, फिर थर्ड के बाद चलते हैं, फोर्थ पे चलते हैं, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। देखो सिंपल सिंपल क्वेश्चन, ए और बी के बीच में, तो ये देखो बेटा ये फॉल्स सर्किट है, मतलब इसमें कोई करंट नहीं जाएगा क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं है, तो करंट आपका इसमें होगा, तो ये दो दो सीरीज में हो गया, कितना हो जाएगा 6 और ये 6 पैरेलल में कितना हो गया 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, कहां गया 5 ओम हो गया, देखिए 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 ओम हो जाएगा, तो ये 4 का ए हो गया, 4 का ए हो गया। फिर चलते हैं बच्चा लोग 5 पे चलते हैं, 5 क्या करा है, ए बॉडी इज मूविंग अलोंग द एक्स एक्सिस विद द स्पीड, देखो स्पीड दिया है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर है बेटा 3, याद रखिएगा अगर यूनिट दे देता है तो देखिए डेसिमल के बाद ये 0 काउंट किया जाता है, फिर इसको मास, मास में 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो कह रहा मोमेंटम बताओ। तो अब देखो कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन बड़ा हेल्प कर देता है, ये देखो आप जानते हैं कि प्रोडक्ट और डिवीजन में लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट करते हैं, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर को, तो इसमें लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर क्या है 5 मीटर पर सेकेंड है, देखिए लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर क्या है 5 मीटर पर सेकेंड है, 5 मीटर पर सेकेंड है, तो ये 5 मीटर पर सेकेंड लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसका मतलब इन दोनों मास और वी को क्या है आप यहां मल्टीप्लाई करिए, तो जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में आएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। आप चाहे तो उस तरह से भी चेक कर सकते हैं, देख लीजिए 5 में है, ये 4 में है, ये 4 में 3 वाला ये है, नहीं तो मल्टीप्लाई करके उसको ले लीजिए, ठीक है, तो ऐसा देख लीजिएगा। अब ये सब चीजें एग्जामिनेशन में एकदम चौकन्ना रहना। फिर क्वाइल वाला, ये देखो मैंने क्लास में बहुत बताया है, मैंने कहा है कि किसी भी सर्कुलर क्वाइल को अगर यन टर्न करेंगे तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड यन स्क्वायर टाइम हो जाएगा, बोला था कि नहीं क्लास में, मैंने कहा था कि ये देखिए अगर उसकी लेंथ कांस्टेंट है और उसके नंबर ऑफ टर्न्स को यन टाइम करते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स को यन टाइम करते हैं तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी यन स्क्वायर टाइम हो जाएगी, यन स्क्वायर टाइम का मतलब बेटा क्या हो जाएगा 16:1, 4 टर्न कर रहे हैं तो 16:1 होगा, तो 6 का कौन सा हो जाएगा सी। फिर 7 देखिए, 7 बड़ा प्यारा क्वेश्चन कर रहा, पी टाइप सेमीकंडक्टर एक्सेप्टर लेंबर इतना, ये देखो ये एनर्जी गैप दे रहा है, क्या दे दिया है एनर्जी गैप, करा वेवलेंथ बताओ, तो आप जानते हैं कि सेमीकंडक्टर में जो वेवलेंथ एनर्जी गैप होता है इक्वल टू ईजी इक्वल टू एचसी अपॉन क्या होता है लैम्डा, अगर ये मिनिमम होगा बेटा तो ये क्या होगा मैक्सिमम होगा, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो शॉर्टकट में भी लिख ले, शॉर्टकट में भी लिख लेंगे तो बड़ी अच्छी बात है, जैसे ये शॉर्टकट में क्या हो जाता है 12400 आंसर मीटर में आ रहा है, कोई बात नहीं अभी मीटर में लेते आएंगे, एंगस्ट्रॉम में आएगा और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये देखिए मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है 50×10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अभी चक्कर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, लैम्डा एंगस्ट्रॉम में और ये देखिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट का चक्कर खत्म हो गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट खत्म हो गया, यहां से लैम्डा आ गया, लैम्डा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12400 और अपॉन 50×10⁻³, देखिए 50×10⁻³, 50×10⁻³ क्या हो गया 3 हो गया। अब यहां से आप लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, लैम्डा की वैल्यू फाइंड करेंगे ये देखिए 2.47×10⁻⁵ मीटर आएगा, ठीक। 7 के बाद चलते हैं 8 पे, हाँ 7 के बाद 8 पे चलते हैं, देखिए 8 भी बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, सब देखिए फार्मूलों पे विशेष ध्यान दिया गया है, इसमें आप बेस्ट करिए, अच्छा करिए। ए रेक्टेंगुलर फ्रेम ऑफ कॉपर वायर इंक्लोजिंग ए सरफेस एरिया ए कवर्ड विद द सोप फिल्म, ठीक है। अब देखो वर्क कितना हो जाएगा, इसमें वर्क कितना हो जाएगा डब्ल्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, वर्क जो होगा W इक्वल टू टी इन टू 2A होता है कि नहीं, ठीक है, या एनर्जी ए होती है। अब कह रहा है कि एरिया ऑफ फ्रेम कॉपर रिड्यूस 25%, यानी W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना हो गया A हो गया, अगर 25% रिड्यूस करेंगे तो बचेगा कितना 75% का मतलब क्या हो जाएगा ये 3/4A हो गया। कह रहा है एनर्जी में कितने का चेंज आएगा, तो ये देखो W डैश अपॉन W कर दो, ये क्या हो गया 3/4, दोनों तरफ ऑन कर दो, चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, अब क्या हो जाएगा W डैश माइनस W अपॉन W इक्वल टू 1/4, फिर 100 कर दो बच्चा लो, फिर 100 कर दोगे तो देखो कितना आया
25% आया, ठीक है, कितना परसेंट आया, 25% आया, ठीक है ना। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बेटा, हम होंगे कामयाब, ध्यान रखे रहिएगा। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, एक काल के कपाल पे लिखता हूं, मिटाता हूं, क्वेश्चन नया लगाता हूं, क्वेश्चन नया लगाता हूं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप लोगों को कहना है कॉपी पे लिखता मिटाता हूं, क्वेश्चन नया लगाता हूं, हार नहीं मानना है बेटा। तो बड़ी अच्छी कविता है बेटा अटल बिहारी वाजपेयी जी की, भारत रत्न, और जो भी हो हमें व्यक्ति विशेष भी हैं वह। और दूसरी बात, ये बात बड़ी अच्छी है कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, और आप लोग क्या है, क्वेश्चन लिखते रहिए, मिटाते रहिए, नया क्वेश्चन लगाते रहिए, ठीक। चलिए नाइन क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला मिटाने के बाद नाइन पे करा है कि कहां पे कौन सी चीजें ज्यादा होंगी। तो आप जानते हैं कि जब क्लोज होता है सन तो उस दशा में वेलोसिटी ज्यादा होती है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, तो यानी बीपी पे ज्यादा होगा, बीपी 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 कम हो जाएगा, आरपी जहां कम है वहां बीपी ज्यादा होगा, आरपी जहां कम है वहां बीपी ज्यादा होगा। तो नाइन का कौन सा हो जाएगा, बी वाला। यहां देखिए, यहां वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, ठीक है, और यहां वेलोसिटी क्या होगी, मिनिमम होगी। तो छोटे छोटे क्वेश्चन, ठीक है, कैपलस लॉ पे। नाइन के बाद टेन चलते हैं, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, देख लीजिए। करा द इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन विथ टू कोहेरेंट सोर्स, आई मैक्स माइनस आई, आई मैक्स क्या दे दिया, आई वन और आई टू का रेशियो दे दिया, आई वन और आई टू का रेशियो क्लास में कराया है, n बाई वन दे दिया है, देखिए i1 और i2 का रेशियो n बाई कितना दे दिया है, कर i max माइनस i मिनिमम i अपॉन i max प्लस i मिनिमम को बताइए, तो ये बताइए क्या हो जाएगा, i max कितना होता है, ये देखो i max होता है i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट i1 i2 होता है, क्यों, i मिनिमम क्या होता है, ये देखिए i मिनिमम होता है i1 प्लस i2 माइनस 2 रूट क्या होता है, i1 i2 होता है, ये देखिए i मिनिमम हो गया। अब आपको क्या फाइंड करना है, ये तो आई मैक्स माइनस आई मिनिमम, देखिए आई मैक्स माइनस आई मिनिमम अपॉन अपॉन आई मैक्स प्लस आई मिनिमम, इन्हें फाइंड करना है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू रखेंगे यहां पे, तो ये क्या आ जाएगा, टू रूट आई वन आई टू अपॉन आई वन प्लस आई टू होगा, यहां पे रख दीजिए आई वन अपॉन आई टू की वैल्यू रख दीजिए, तो टू रूट एन अपॉन एन प्लस वन आएगा, तो टेन का कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, देखिए टेन का बी हो गया। 11, 11 में क्या करेंगे भैया, 11 देखिए, द टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज ना, देन द टाइम पीरियड ऑफ थर्ड ऑर्बिट विल बी, तो टाइम पीरियड थर्ड ऑर्बिट का निकालना है, तो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा, एन क्यूब, थर्ड ऑर्बिट का मतलब क्या हो जाएगा, थर्ड ऑर्बिट, तो 27 टाइम्स हो जाएगा, 27 टाइम्स, अब 27 टाइम्स हो जाएगा, देखिए टी डैश डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3 का क्यूब, तो टी डैश 3 3 का 9 3 27 टी हो जाएगा, कितना हो जाएगा 27 टी, 27 टाइम्स हो जाएगा, बताइए 27 टाइम्स हो जाएगा, तो कौन सा आंसर हो गया इसमें, 11 का डी हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन करना पड़ेगा भाई, मैंने आपसे कहा था कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। अब देखिए क्या करा है, मार्बल ब्लॉक ऑफ मास 2 केजी लाइंग ऑन आइस, एक मार्बल ब्लॉक है आप मास 2 केजी, कितने का मास है, आइस, गिवन वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड, स्टॉप बाय फ्रिक्शन, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज, तो अब देखो अगर यहां से बॉल चल रही है, स्टॉप हो रहा है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी तो है, यहां पे स्टॉप हो जाएगी, बी इक्वल टू जीरो, तो अब जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू माइनस ए टी, ठीक है, या यू इक्वल टू ए, ए कितना होता है, म्यू जी के बराबर होता है, आपको पता होगा, या म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू वाई कितना हो जाएगा, जी टी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मे बी हो सकता है आ जाए, तो यू पता है आपको, जी पता है, टी आपको पता है, सब कुछ रखेंगे, तो इसका मतलब यहां पे 0.02 आएगा, कितना आएगा, 0.02 आएगा। 12 के बाद 13 पे चलते हैं बच्चा लोग, 13 क्या कर रहा है, Which of the following physical quantity do not same dimension formula? Speed or mu naught epsilon naught minus half का same होता है, torque और work का भी वही होता है, young modulus और pressure का, momentum और Planck constant का, इनका अलग अलग होता है, momentum mass into velocity होता है, Planck constant equal to h nu होता है, तो दोनों का अलग अलग होता है, इसीलिए D वाला सही होगा। 13 के बाद 14 पे चलते हैं भैया, 14 का out of the following which one is not a possible energy for photon to emitted by hydrogen atom अकॉर्डिंग टू बोर एटॉमिक मॉडल, तो मैंने आपको क्लास में भी कहा था बेटा, बोर एटॉमिक मॉडल में ये जो लेवल है कम से कम 6 तक याद रहे, ठीक है, जितना, जैसे पहले में हाइड्रोजन के लिए -13.6 होता है, दूसरे में -13.4 होता है, ये याद रहे, ठीक है, जितना ये याद रहेगा उतना ही अच्छा आप कर पाएंगे, फिर -1.5 हो, -0.85 हो, ठीक है, तो ये आपको याद रहे। अब देख लीजिए किसके दो के डिफरेंस से इसमें कौन सा नहीं आएगा, ये सब आ जाएगा, 1.9 भी आ जाएगा, 13.6 भी आ जाएगा, इसको इनफाइनाइट वाले से माइनस कर दीजिएगा,
ठीक है, बस एक नहीं आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, 11.1 नहीं आ पाएगा, कभी नहीं आएगा। देखिए जैसे इसका इसका माइनस करेंगे तो 10.2 आएगा, और इसका और इनफाइनाइट वाले का माइनस करेंगे तो क्या जाएगा, 13.6, तो कौन नहीं आएगा, 11.1 नहीं आएगा। देखिए चार्ट याद रहना चाहिए कम से कम 6 तक। अब देखिए क्या कहा जा रहा है इसमें, देखिए एक्सपेरिमेंट है तो एक्सपेरिमेंट का भी क्वेश्चन हमने दे दिया, प्रैक्टिकल टॉपिक भी है ना, जैसे क्या लिखा है सिंपल पेंडुलम का प्रैक्टिकल टॉपिक, तो ये प्रैक्टिकल टॉपिक का भी हमने क्वेश्चन दे दिया, सबको ध्यान दे रहे हैं, असरसन रीजन भी है, सारी चीजें हैं, सबको ध्यान देते हुए कि बच्चा अच्छा करे हमारा, और अच्छा होगा, अच्छा होगा बेटा, मेहनत की जा रही है, आप लोग मेहनत कर रहे हो, जरूर अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। स्टूडेंट फर्स्ट सेकंड परफॉर्म एक्सपेरिमेंट फॉर द मेजरिंग एक्सेलेरेशन, लीस्ट काउंट ऑफ लेंथ ये है, लीस्ट काउंट ऑफ टाइम ये है, ठीक है, एरर, लीस्ट काउंट का मतलब यहाँ एरर है, लीस्ट काउंट ऑफ टाइम आपका ये है। तो कहा जा रहा है कि डेल्टा जी बाई जी इन 200 फॉर स्टूडेंट फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड रिस्पेक्टिवली, देन इसका यहाँ पे परसेंटेज एरर इन जी क्या है, मिनिमम है या बराबर है क्या ज्यादा है। तो सबसे पहले ये देखिए आप क्या करते हैं, यहाँ पे t इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट l बाई जी होता है, तो जब g में एरर निकालेंगे तो डेल्टा g अपॉन g इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये देखिए स्क्वायर 2 डेल्टा t अपॉन t और प्लस डेल्टा l अपॉन कितना हो जाएगा, l हो जाएगा, क्यों यही तो होगा 2 डेल्टा t अपॉन t। तो इसमें आप बारी बारी चेक कर लीजिए, जैसे पहले वाले को चेक कर लें, ई फर्स्ट चेक कर लें, डेल्टा g अपॉन g इन 200 करके चेक कर लें, अब कैलकुलेशन करना पड़ेगा, डेल्टा टी कितना है 0.1 है, टाइम कितना है बेटा, टाइम 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 16 है और डेल्टा एल कितना है, हमारे ख्याल से ये दोनों समान लग रहा है, इन दोनों में क्या होगा आपका सेम भी आएगा, ठीक है। टोटल टाइम फॉर एन ऑसिलेशन, इससे कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है, तो ये सब एक समान लग रहा है, तो हमारे ख्याल से फर्स्ट और सेकेंड में जो होगा वो आपका क्या आएगा, ये देखिए ये डेल्टा टी और डेल्टा एल अपॉन एल कितना हो जाएगा, डेल्टा एल है 0.1 अपॉन कितना हो जाएगा 64, क्यों हो गया। फिर उसी तरह से ई सेकंड ले लीजिए, क्या ले लीजिए ई सेकंड, ई सेकंड में कितना हो जाएगा, ये देखिए ई सेकंड में 2 इंटू 0.1 अपॉन कितना हो जाएगा 16 प्लस 0.1 अपॉन कितना हो जाएगा 64, तो यहां फर्स्ट और सेकंड का सेम आएगा, फर्स्ट और सेकंड का सेम आएगा 15। अब देखिए 16 क्या कर रहा है, 16 कर रहा है इफ एन आइडेंटिकल कैपेसिटर और कैपेसिटेंस सी ईच आर कनेक्टेड इन पैरेलल देन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू सी बाई एन, ये सही है, एन आइडेंटिकल कैपेसिटर को अगर पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है तो एन सी आता है, ठीक है, तो गलत है। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर यूज्ड व्हेन द रिक्वायर्ड लार्ज कैपेसिटेंस एंड स्मॉल पोटेंशियल, ठीक है, लार्ज क्या है, जरूरत पड़ती है, ठीक है ना, तो ये देखिएगा बड़ा अच्छा क्वेश्चन है इसमें, तो पहला आपका क्या लग रहा है इसमें, पहला जो है आपका सही है, ठीक है, मतलब सॉरी गलत है, पहला एन आइडेंटिकल कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी ईच ऑफ कनेक्टेड इन पैरेलल देन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होना चाहिए, एन सी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एन सी, तो पहला गलत है और सेकंड क्या है, हाँ सेकंड सही है भाई, एन सी अगर है तो इसका मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में हमको क्या है कैपेसिटेंस मिल रहा है, और जब बहुत ज्यादा मात्रा में मिलेगा तो क्या है स्मॉल पोटेंशियल, ठीक, तो 16 का आपका डी है। 17 आ जाइए, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ नॉर्मल हाइड्रोजन एटम 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी इन सेम स्टेट, तो ये बताइए अगर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में कितने का रिलेशन होता है, आपको पता होगा पोटेंशियल एनर्जी 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है, देखिए पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है कि नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा उसका आधा, आधा का मतलब 13.6 हो गया, आधा का मतलब 13.6 हो जाएगा, ठीक है ना, मॉड वैल्यू हमने लिया है। अब देखिए यहाँ पे क्या किया जा रहा है, दूसरा ब्लॉक ऑफ मास मूविंग ऑन द फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो बताओ उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर, और ये किससे, एक स्प्रिंग से टकरा रहा है, तो स्प्रिंग के केस में हाफ के एक्स स्क्वायर होगा, ये देखिए स्प्रिंग से टकरा रहा है तो स्प्रिंग के केस में कितना हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, देख लीजिए ध्यान दीजिए भैया, स्प्रिंग के केस में टकरा रहा है तो स्प्रिंग के केस में कितना हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है भाई, हाफ के एक्स स्क्वायर। अब यहां से तो मैक्सिमम मोमेंटम निकालना है, मैक्सिमम मोमेंटम के लिए सबसे पहले वी निकाल लीजिए, ये एल हो गया, एल दिया है तो क्या हो जाएगा, हाफ हाफ कट गया, वी कितना हो जाएगा, v इक्वल टू के एल स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा m, के एल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट मोमेंटम फाइंड करना है ना, द मैक्सिमम मोमेंटम ऑफ द ब्लॉक, पहले वेलोसिटी निकाल लिया हमने, अब बताइए मोमेंटम क्या होता है, p इक्वल टू m इनटू v होता है, तो m इनटू v का मतलब क्या हो जाएगा, m इनटू v का मतलब रूट में m के और l स्क्वायर बाहर आ जाएगा, l स्क्वायर बाहर आ जाएगा, l हो जाएगा, तो रूट में m के l हो गया, ठीक है। 18 के बाद चलते हैं 19 पे, देखो सब एक एक लाइन और एक एक लाइन के क्वेश्चन, ये टेस्ट देने से आपको बहुत फायदा होगा, ये टेस्ट जो आप दे रहे हैं एक डिसिप्लिन में टेस्ट दे रहे हैं, ये भाई जो भीड़ है ये टेस्ट की एक डिसिप्लिन के लिए ही है, कि मैंने अपने सिस्टम में क्या हुआ डिसिप्लिन, आपको मैं आपको वो फील आ रहा है कि जैसे आप 5 मई वही है,
भाई मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मेरा पूरा सिस्टम, पूरा गुरुकुल पाठशाला ये कोशिश कर रहा है कि आपको फील आए कि जैसे लगे कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं। और ये 25 मॉक देने के बाद बेटा जरूर आप क्या इतिहास रचेंगे, ठीक है, आपकी बार 700 पार, बेटा जरूर 700 पार आएगा। देखिएगा ये 25 मॉक टेस्ट पेपर आपके लिए जबरदस्त काम करेंगे, ठीक। फिर आते हैं 19 में, द डायोड यूज इन द सर्किट शोन इन द फिगर, बड़ा प्यारा क्वेश्चन। कॉन्स्टेंट वोल्टेज ड्रॉप 0.7, देखिएगा इस पे 0.7 वोल्ट है और इसका पावर भी दे दिया है, देखिए पावर कितना दे दिया, 140 मिली वोल्ट। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज विद डायोड फॉर ऑप्टिंग मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट ऑप्टेन करने के लिए, क्या मैक्सिमम करंट ऑप्टेन करने के लिए, तो बेटा मैक्सिमम करंट ऑप्टेन करने के लिए क्या करेंगे। तो सबसे पहली चीज ये बताओ, ये 0.7 वोल्ट अगर आ गया तो 8, 7, 15 इसमें 0.8 वोल्ट होगा, तो देखो जो इसमें करंट होगी वही करंट इसमें भी होगी, तो पहले करंट निकाल लो। तो पावर P इक्वल टू वी आई होता है, देखो इसमें करंट क्या हो जाएगा, I इक्वल टू पी वाई वी हो जाएगा। अब यहां से करंट निकाल दोगे, अब जो करंट यहां वही करंट यहां भी है, यहां V इक्वल टू आई आर यूज कर लो, V कितना है 0.8, आई यहां से निकाला ही है तुमने, अब आर, अब कैलकुलेशन थोड़ा आपको करना पड़ेगा, ठीक है, हम कैलकुलेशन थोड़ा कम कर रहे हैं, तो क्या आएगा 4 ओम आएगा, यहां से आर की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, जो करंट उसमें होगा वही करंट इसमें भी होगा। तो 19 का ये हो गया, 19 के बाद 20 में चलते हैं। 20 क्या कर रहा है, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इतना इतना, इट्स पोजीशन इतना, देन इट्स डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम टी, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो चलो भैया अब देखिए डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, इज इक्वल टू आप जानते हैं इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी होता है, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी का मतलब कितना होता है, ये देखिए ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी का मतलब वी नॉट का इंटीग्रेशन वी नॉट टी, ये क्या हो गया जी टी स्क्वायर बाई टू हो गया, और ये क्या हो गया एफ टी क्यूब बाई कितना हो गया थ्री हो गया, एफ टी क्यूब बाई थ्री कितना हो गया थ्री हो गया, देन इट्स डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम टी वन सेकेंड, वन सेकेंड का मतलब ये क्या हो जाएगा वी नॉट, ये क्या हो गया जी बाई टू, और ये क्या हो गया एफ बाई थ्री हो गया, तो कौन सा होगा सी वाला होगा, कौन सा सी। फिर आ जाते हैं 20 के बाद 21, कौन सा 21, 21 क्या कर रहा, फॉर ए सैटेलाइट मूविंग एन ऑर्बिट, फॉर ए सैटेलाइट मूविंग एन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी, अभी हमने बताया है कि पोटेंशियल एनर्जी 2 times ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है। देखो इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है तो उस केस में भी वही होता है, पोटेंशियल एनर्जी 2 times ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है, और सैटेलाइट के लिए भी पोटेंशियल एनर्जी 2 times ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मतलब कहने का मतलब बेटा क्या ग्रेविटेशन का आधा चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर की तरह है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है, देखना हो सकता है अभी जाए। फिर उसके बाद 22वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ए रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर इंक्रीज विथ इंक्रीज इट्स टेम्परेचर, सही बात है बेटा रेजिस्टिविटी इंक्रीज करती है, रिलैक्सेशन टाइम इलेक्ट्रॉन कंडक्टर इंक्रीज विथ ना रिलैक्सेशन टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है बेटा, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिलैक्सेशन टाइम घटता है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, स्टेटमेंट सेकंड क्या है गलत है। फिर उसके बाद चलते हैं 23 क्वेश्चन पे, द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मटेरियल, ध्यान दीजिएगा वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मटेरियल ऑफ ए पोलराइजेशन एंगल ऑफ 76 डिग्री, तो ये देखिए 10 IP म्यू इक्वल टू किसके बराबर होता है, 10 IP के बराबर होता है, किसके बराबर होता है म्यू इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा म्यू इक्वल टू जो होता है वह किसके बराबर होता है 10 IP के बराबर होता है, ये देखिए 10 IP, तो 10 IP का मतलब कितना हो गया 76 डिग्री है, तो म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 76 डिग्री, और 10 76 डिग्री की वैल्यू कितनी है 4 है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। फिर 24 आप देख रहे हैं, 24 बड़ा प्यारा क्वेश्चन, क्वेश्चन क्लास में मैंने कराया भी है, करा दो पॉइंटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताओ, तो मैंने इसके लिए क्या कहा था किरचॉफ वोल्टेज लॉ का यूज करेंगे, जिधर से करंट जा रहा है रेजिस्टेंस का पहला टर्मिनल क्या होता है प्लस माइनस, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, चलिए अब क्या हो जाएगा Vx माइनस क्या हो जाएगा Vy, ये देखिए Vx माइनस Vy, ठीक है शुरू करते हैं यहां से पहले टर्मिनल का, कुछ लोग Vy को लास्ट में ले लेते हैं, ठीक है कुछ लोग यहां से शुरू करते हैं, तो मैं Vx माइनस Vy पहले टर्मिनल का साइन लेंगे, 3 × 2 कितना हो जाएगा 6 वोल्ट, ये कितना हो जाएगा प्लस 5 वोल्ट हो जाएगा, 3 × 2 ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, इसका क्या मिला माइनस मिला, ये क्या मिला प्लस मिला, तो 4 × 3 ये 12 हो जाएगा, ये क्या मिला माइनस 1 मिला, ये क्या मिला प्लस 1 मिला, तो सब कट पिट करेंगे तो ये देखिए ये नहीं प्लस नहीं 3 मिलेगा, ये 25 वोल्ट आएगा, कितना आएगा बेटा 25 वोल्ट। फिर उसके बाद चलते हैं 25 क्वेश्चन की ओर, 25 क्वेश्चन क्या कर रहा है, बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 40 m/s, एक बॉडी को 40 m/s से आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आफ्टर टू सेकेंड इट क्रॉस ए वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 20.4 m, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बी, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बी, देखिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन आपको फाइंड करना है कि क्या होगा, तो ये देखिए इस तरह से हम बॉडी को ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये देखिए बॉडी को अगर प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो ऐसे ही है, ये देखिए यहां रहा है, ये वैल्यू क्या दी गई है 40, ये देखोगे ये क्या हो गया थीटा,
और ये कितना हो गया बेटा 20.4 मीटर, कितना मीटर हो गया, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पूछ रहा था। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए फिर वही काम, मोशन का आप दूसरा इक्वेशन y इज इक्वल टू यू साइन थीटा टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर का प्रयोग कर दें। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये देखिए 20.4 है, ये y 20.4 है। u साइन थीटा, u को छेड़छाड़ मत करिए, नहीं कर सकते हैं, 40 साइन थीटा, t कितना है 2 सेकंड ले लीजिए, माइनस g को कितना ले लीजिए 9.8, t का मतलब कितना हो गया 2 दूनी 4, ये 19.6 हो गया, 19.6 इधर जाएगा, 19.6 इधर जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये t कितना है, द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बी, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बी 25 ना, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बी, अरे कहां कुछ गड़बड़ हो गया क्या, द बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड आफ्टर 2 सेकंड इट क्रॉस ए वर्टिकल प्लेन, ठीक है 2 सेकंड तो हमने लिया ही है, कहीं छोड़ा भी नहीं है। चलो बच्चों 26 क्वेश्चन को देखते हैं, 26 क्या कह रहा है, 26 कह रहा है कि ए रोप 1 सेंटीमीटर डायमीटर ब्रेक्स इफ द टेंशन एक्सीड्स 500 न्यूटन, द मैक्सिमम टेंशन दैट मे बी गिवन टू सिमिलर रोप ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज, मैक्सिमम टेंशन पूछ रहा है। तो आप जानते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस क्या होता है, ब्रेकिंग स्ट्रेस होता है ये देखिए टेंशन अपॉन एरिया होता है, क्यों, तो अब इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, मैक्सिमम टेंशन दैट मे बी गिवन टू सिमिलर रोप ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज, तो उस दिशा में ब्रेकिंग स्ट्रेस उसका क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो टी वन अपॉन ए वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी टू अपॉन ए टू हो जाएगा। अब देख लीजिए टी वन कितना है 500 न्यूटन है और ये कितना हो जाएगा पाई 1/2 होगा, डायमीटर दिया है तो कोई बात नहीं, इधर उधर 2 रहेगा दोनों तरफ कट जाएगा, और ये टी टू अपॉन कितना हो जाएगा पाई इंटू 2 का क्या होल स्क्वायर, 2/2 है, 2 दोनों तरफ कट जाएगा, यहां से आप फाइंड कर लेंगे तो 2000 न्यूटन आएगा, 2000 न्यूटन, ठीक है ना। अब चलो भैया 26 के बाद 27 चलते हैं, देखते हैं, व्हेन द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर देन इट्स कैपेसिटेंस इंक्रीज, बिकॉज देखो डाइलेक्ट्रिक मीडियम जब इंसर्ट करते हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करती है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, डिक्रीज करती है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, मतलब ये देखिए ये प्लस दिया है ये माइनस दिया है, एक इलेक्ट्रिक ये ऐसे है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, डिक्रीज, V इक्वल टू क्या होता है ईडी, ये जब डिक्रीज करेगा तो ये भी डिक्रीज करेगा, C इक्वल टू क्या होता है क्यू बाई वी, तो वी डिक्रीज करेगा तो सी भी इंक्रीज करेगा, इसका मतलब सी है बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, याद रखना ये जो कंडीशन थी ये वाली, इसमें बैटरी डिसकनेक्टेड है, बैटरी कनेक्ट नहीं है, ठीक है ना, हाँ वो कंडीशन है। तो 28 कह रहा है एसी वोल्टेज अप्लाइड, एसी वोल्टेज अप्लाइड रेजिस्टेंस आर एंड इंडक्टेंस एल, आर एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस दे दिया है, फेज डिफरेंस बिटवीन, तो क्या होता है फेज डिफरेंस 10 फाइ इक्वल टू एक्सएल बाई कितना हो जाएगा आर, एक्सएल कितना है 3, आर कितना है 3, 1 आएगा, फाइ की वैल्यू कितनी हो जाएगी पाई बाई 4, फाइ की वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 4, ठीक है। फिर चलते हैं 28 के बाद 29 पे क्या कर रहा है, 29 का बलून ऑफ मास 16 केजी डिसेंडिंग डाउनवर्ड विथ एन एक्सेलेरेशन 6.2, तो मान लो कोई भी बलून अगर है नीचे की तरफ आ रहा है ए एक्सेलेरेशन से, तो उस पर जो अपथ्रस्ट फोर्स होगा, बॉयंस फोर्स क्या होगा, एम जी माइनस क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, यही अगर ऊपर की, अब क्या आ रहा, कुछ मास निकाल लिया गया, तो जब कुछ मास निकाल लिया गया तो ये मान लो इसका मास कितना हो गया एम माइनस डेल्टा एम हो गया, अब ये ऊपर की तरफ एक्सेलेरेशन से जा रहा है तो बॉयंस फोर्स वही रहेगा जो हवा का फोर्स है, भी ये क्या हो जाएगा एम माइनस डेल्टा एम, ऊपर की तरफ जाएगा तो जी प्लस कितना हो जाएगा, ये नीट में आ भी चुका है, उसी का न्यूमेरिकल वर्जन मैंने दिया है। तो अब देखो दोनों फोर्स आपस में बराबर होंगे, ठीक है, तो अब यहां पे क्या हो जाएगा एम जी माइनस ए इज इक्वल टू एम माइनस डेल्टा एम, और ये क्या हो जाएगा जी प्लस कितना हो गया ए हो गया। तो अब इससे क्या कर सकते हैं, डेल्टा एम की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि नहीं, एकदम डेल्टा एम की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और सॉल्व करेंगे तो डेल्टा एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12.4 केजी आ जाएगी, 12.4 केजी, ठीक है ना। अब चलते हैं 30 क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 30 क्वेश्चन क्या करा भैया, द लेवल ऑफ डबली आयनाइज्ड लिथियम सेम एनर्जी एज द ग्राउंड स्टेट एनर्जी द हाइड्रोजन एटम, देखिए अभी सब बताया था हमने, हमने आपको याद कराया था, मैं सबका क्लास में हमने याद कराया था, तो हमने क्या कहा था कि अगर हाइड्रोजन का 13.6 होता है, याद करिए हाँ, तो ये देखिएगा एक छोड़कर तीसरे में क्या होगा लिथियम का, लिथियम का 13. क्या होगा 6 होगा, एक छोड़कर 13.6 लिथियम का होगा, ये बोला था ना हमने। तो यहां पे क्या करा है, लिथियम प्लस प्लस हैज द सेम एनर्जी एज द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम का अगर 13.6 है तो एक छोड़कर 13.6 इसका होगा, इसका मतलब यानी इक्वल टू कितना होगा 3, चाहे तो आप फार्मूले से भी कर सकते हैं, ठीक, और हमने क्लास में आपको याद भी कराया है।
31 देखिए, 31 क्या कह रहा है, द पावर ऑफ बाइकॉन्वेक्स लेंस 10 डायोप्टर। फोकल लेंथ पहले पता कर लेते हैं, फोकल लेंथ 10 डायोप्टर है तो इसका मतलब पावर फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, एफ इक्वल टू 100 बाई कितना 10, यानी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना भाई। एफ इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई पी होता है, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 10 सेंटीमीटर, देन द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल। तो बेटा मैंने आपको शॉर्टकट बताया है, एफ इक्वल टू म्यू माइनस 1 और 2 बाई आर हो जाएगा, या एफ इक्वल टू हमने कहा था, हाँ एफ इक्वल टू, या एफ की वैल्यू रख दो 1 बाई 10 म्यू माइनस 1, 2 बाई आर कितना है 10 है, 10 से 10 कट गया, ये देखो क्या हो जाएगा 2 म्यू, हाँ 2 म्यू, 10 से 10 कट गया ना, 2 बाई 10 द रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर, देन द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल, तो 2 म्यू माइनस 2 इक्वल टू क्या हो गया 1, या 2 म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, या म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 बाई 2 हो जाएगा, म्यू इक्वल टू 3 बाई 2। 31 के बाद 32 चलते हैं, क्या कर रहा है, 4 पॉइंट चार्ज इच इक्वल 4 कुलम आर हेल्ड एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर, द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर सो दैट द सिस्टम चार्ज इन इक्विलिब्रियम। तो मान लो चार चार्ज हैं, चारों कॉर्नर पे रखे गए हैं, क्लास में इसको भी हम लोग डिस्कस किए थे, ठीक है, और सेंटर पे एक चार्ज रख दिया गया है, करा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो अब देख लीजिए किसी एक चार्ज पर नेट फोर्स क्या होगा, जीरो, तो इसके इसके बीच फोर्स कितना हो जाएगा, एफ वन इक्वल टू कितना हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा ए का स्क्वायर, इसके इसके बीच फोर्स कितना हो जाएगा, एफ टू इक्वल टू क्या हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, इसके इसके बीच कितना फोर्स हो जाएगा, एफ थ्री इक्वल टू क्या हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन कितना, ये ए रूट टू डिस्टेंस होगी, कितनी होगी ए रूट टू, ए रूट टू का मतलब टू ए स्क्वायर, इसके इसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा ए बाई रूट टू हो गया, ये इसके इसके बीच का फोर्स लगेगा एफ फोर इक्वल टू क्या लगेगा, एफ फोर इक्वल टू के क्यू क्यू बाई ए स्क्वायर बाई टू हो जाएगा। अब नेट फोर्स देखिए कितना हो जाएगा, नेट फोर्स कितना हो जाएगा, नेट फोर्स के क्यू स्क्वायर बाई टू ए स्क्वायर प्लस टू के क्यू क्यू बाई ए स्क्वायर और प्लस के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर रूट टू इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो। यहां से आप छोटा क्यू की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे, छोटा क्यू की वैल्यू जो आएगा क्यू इक्वल टू माइनस क्यू बाई फोर और वन प्लस टू रूट टू आ जाएगा, क्यों बेटा। अब बताओ कैपिटल क्यू की वैल्यू पता ही है, सब कुछ रख दीजिए, रखेंगे तो आंसर आ जाएगा 32 का कौन सा मिलेगा, 32 का वन वाला मिलेगा। 33 पे आ जाते हैं, 33 देखिए बड़ा सिंपल क्वेश्चन, हाँ इस तरह का हो सकता है नीट में साल भी मिल जाए, पिछले साल आया भी था। क्या दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया है, टाइम दे दिया है, और कह रहा है कि क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक वेक्टर। तो देखो बेटा टाइम वाइम पे ये सब डिपेंड नहीं करता है, यह क्या होता है ई और बी का रेशियो जो होता है हमेशा कॉन्स्टेंट होता है, मतलब सी इक्वल टू क्या होता है, ये देखिए सी इक्वल टू ई बाई क्या होता है बी होता है। अब देखिए आपको क्या फाइंड करना है, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखो ई बाई कितना हो जाएगा सी, ए कितना है 6 × 3 × 10⁸, यानी 2 × 10⁻¹ हो जाएगा, ये आपका डी हो गया। अब 33 के बाद चलते हैं, 34 पे चलते हैं, 34 क्या कह रहा है बच्चा लोग, 34 कह रहा था वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल डिस्क्राइब एसएचएम 16 सेंटीमीटर। आप जानते हैं एसएचएम में जो वेलोसिटी होती है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस क्या होता है वाई स्क्वायर, तो वी कितना होता है, ये देखिए 16 इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस कितना हो गया 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, ठीक है। अब 8 आ रहा है तो ये देखिए ओमेगा अंडर रूट कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस कितना 12 का स्क्वायर, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, दोनों को डिवाइड करेंगे यहां से ए की वैल्यू निकल जाएगी, ए की वैल्यू जो आएगी 34 का कौन सा है, 34 का आपका ये ए की वैल्यू ये आएगी, ठीक है, सॉल्व कर लीजिए, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। 35 करा है, व्हेन ए मेटल प्लेट ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस, देखिए मेटल प्लेट है किसका नेग्लिजिबल थिकनेस का, इंट्रोड्यूस बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर एट ए मिडिल पोजिशन, एट ए मिडिल पोजिशन नाउ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर विल बी, तो अब जानते हैं कि अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम पार्शियली फिल्ड होता है, क्या होता है पार्शियली, तो C इक्वल टू क्या होता है एप्साइलन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई कितना होता है के होता है, ध्यान दीजिएगा अगर पार्शियली फिल्ड होता है, तो पार्शियली फिल्ड होगा तो उस कंडीशन में देखिए नेग्लिजिबल थिकनेस हटा दीजिए, मेटल है ये भी जीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सेम रहेगा, ठीक है ना। 36 पे चलते हैं, 36 क्या करा है, 36 करा है कि टू इंडक्टर ऑफ सेम आई वन और आई टू का रेशियो, तो ये बताइए दोनों पैरेलल में है, दोनों पैरेलल में है तो दोनों पे सेम इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, सेम इंड्यूस्ड ईएमएफ का मतलब क्या होता है ई वन इक्वल टू ई टू, यानी एल वन डी आई वन बाई डी टी इक्वल टू एल टू डी आई टू बाई कितना हो जाएगा डी टी, देखिए डी टी डी टी कट गया, यानी एल वन आई वन इक्वल टू क्या हो जाएगा एल टू आई टू, या आई वन बाई आई टू इक्वल टू क्या हो जाएगा एल टू बाई एल वन, ठीक है ना। तो ये आपका ये हो गया बी। फिर चलते हैं 36 के बाद, 37 क्या कर रहा है, 37 कर रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम,
तो फर्स्ट बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम में काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जैसे जो टोटल एनर्जी होती है वही टोटल एनर्जी किसके बराबर होती है, माइनस सॉरी काइनेटिक एनर्जी, बात वही है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस टोटल एनर्जी होता है। तो माइनस टोटल एनर्जी यानी प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा, ठीक, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बी वाला। 37 के बाद चलते हैं, 38 क्या करा है, ये देखिए, करा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पासिंग थ्रू वैक्यूम। तो अब आप जानते हैं सी इक्वल टू क्या होता है, ई बाई बी, ठीक है भाई, और सी इक्वल टू ओमेगा बाई के भी होता है, क्यों भाई पता है, स्पीड ऑफ लाइट सी इक्वल टू ई नॉट बाई बी नॉट और ओमेगा बाई के भी होता है। तो ई नॉट के, ये देखिए ई नॉट क्या हो जाएगा के, और ये क्या हो जाएगा बी नॉट ओमेगा, ई नॉट के बी नॉट ओमेगा हो गया, ठीक है, ये 38 हो गया। 38 के बाद 39 देखिए, 39 क्या कर रहा है, ए कॉइल ऑफ 40 हेनरी इंडक्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, द टाइम कांस्टेंट। तो टाइम कांस्टेंट क्या होता है लार्ज सर्किट का, टाउ इक्वल टू एल बाई आर होता है, एल कितना दिया है 40, ये कितना दिया 8, कितना हो जाएगा 5, देखिए टाइम क्या हो जाएगा 5 सेकंड आ जाएगा, ठीक है ना, टाइम 5 सेकंड आ गया। 39 के बाद 40 चलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वी एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ चार्ज मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस आर और आर लेस देन आर विल वेरी अकॉर्डिंग टू रिलेशन। बेटा एक बात याद रखना हमेशा, जैसे ये कंडक्टिंग स्फीयर अगर दिया है, इसके सरफेस पे जो पोटेंशियल होता है वही अंदर भी पोटेंशियल होता है, अगर सरफेस पे पोटेंशियल वी है तो अंदर भी होगा, तो अंदर आर से इंडिपेंडेंट होता है, तो आर से इंडिपेंडेंट होने का मतलब वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर पे जीरो, ठीक है। अब देख लो अगर ये सब क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, क्योंकि ये सब तुम लोग जानते हो, लैंग्वेज बस थोड़ा सा बदल दिया है, पूछने का तरीका बदल दिया, अगर ये सब गलत हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, किताब मत बदलिए, जगह मत बदलिए, ठीक है, क्या चीजों को समझिए, समझ के काम करिए, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर आने वाला नहीं है। फिर देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन 41 कह रहा है, 41 कह रहा है कि टू सेल दिए गए हैं, ये देखिए दो सेल हैं, एक सेल ये है एक सेल ये है, इनके इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है आर टू है, इनके इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है आर वन है, और ये देखिए ये आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है। पहले सेल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, ठीक है, तो V इक्वल टू क्या है जीरो है, तो V क्या होता है E माइनस आई आर वन इक्वल टू जीरो होता है, या E माइनस आई, आई का मतलब टोटल ईएमएफ, टू ई अपॉन कितना हो जाएगा आर वन प्लस आर टू प्लस आर आर वन इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो, या कैपिटल आर इक्वल टू सॉल्व करेंगे तो आर वन माइनस क्या आएगा आर टू, ठीक है, तो ये देखिए कैपिटल आर इक्वल टू आर वन माइनस आर टू। 41 हो गया। 42 पे चलते हैं, एक कैपिलरी ट्यूब वाटर राइज 4 मिलीमीटर, कैपिलरी ट्यूब है वाटर राइज 4 मिलीमीटर, द हाइट ऑफ वाटर दैट विल राइज इन अनदर कैपिलरी ट्यूब हैविंग 1/4 रेडियस। तो आप जानते हैं किसी भी कैपिलरी ट्यूब में हाइट और रेडियस का क्या रिलेशन होता है, एच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी एच वन आर वन इक्वल टू एच टू आर टू, ठीक है। तो अब बताइए अगर 1/4 कर दे रहे हैं तो 16 टाइम्स हो जाएगा, कितनी टाइम्स हो जाएगा, हाँ 16 टाइम्स हो जाएगा, तो 1/4 कर दे रहे हैं तो कितने टाइम्स हो जाएगा 16 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है ना बेटा, 1/4 का मतलब देख लो आंसर, हाँ 16। तो ये हो गया आपका 42 का। 43 देखते हैं क्या है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, हाँ देखिए अभी प्रैक्टिकल टॉपिक से रिलेटेड हमने दिया है, जैसे आप जानते हैं ना आपके सिलेबस में क्या है, क्या वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज है ना, तो ये आपका स्क्रू गेज से रिलेटेड है, प्रैक्टिकल टॉपिक को भी हम टच कर रहे हैं, जो प्रैक्टिकल टॉपिक है उनके भी क्वेश्चनों को दे रहे हैं बीच में बेटा। तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड बॉल इज टू डिटरमाइन बाय एन एक्सपेरिमेंट, द डायमीटर ऑफ बॉल इज मेजर विद स्क्रू गेज व्हिच पिच इज इतना एंड द 50 डिवीजन। तो पिच इतना है तो लिस्ट काउंट निकाल लीजिए, ये बताइए लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा, लिस्ट काउंट पिच अपॉन डिवीजन होता है, तो 0.5 50 कितना हो गया 0.01 हो गया, 0.101 हो गया मिलीमीटर में आ जाएगा। फिर कह रहा है एमएसआर मेन स्केल रीडिंग दे दिया है 20 डिवीजन अब दे दिया है, तो अब क्या है आप रीडिंग निकाल लीजिए, हाँ रीडिंग क्या हो जाएगा मतलब डायमीटर, डायमीटर निकलेगा, क्या निकलेगा डायमीटर, ये देखिए डायमीटर क्या निकलेगा एमएसआर, एमएसआर प्लस एन इनटू लिस्ट काउंट, और कोई एरर तो है नहीं, तो एमएसआर कितना है 2.5 है, एन कितना है 20 है, 0.01 है, इसका मतलब 2.7 आ गया, 2.7 आ गया। अब आप देख लीजिए डेंसिटी में पूछ रहा है, तो रिलेटिव परसेंटेज अगर इन डेंसिटी मास में दिया है, तो डेंसिटी क्या होता है बेटा मास अपॉन वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम का मतलब 4/3 पाई आर क्यू। तो आप जानते होंगे डेल्टा डी अपॉन डी इक्वल टू डेल्टा यम अपॉन यम और प्लस 3 डेल्टा आर अपॉन आर। एक बात बेटा कान खोलकर सुन लो, जो फ्रैक्शनल एरर रेडियस में होगा वही फ्रैक्शनल एरर डायमीटर में होगा, अब इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, जैसे तुम्हारा ये डायमीटर निकला है तो बेटा इसको चेंज करके 2.7/2 मत कर देना भाई, दोनों तरफ करना पड़ेगा ऊपर भी नीचे भी। तो आप यहां पे क्या है डेल्टा डी बाई डी इंटू 100, डेल्टा एम बाई एम इंटू 100 की वैल्यू 2% दे दिया है, 3 डेल्टा आर क्या हो जाएगा
देखिए डेल्टा आर क्या हो जाएगा 0.1, ये देखिए 0.1 हो गया, 0.1 अपॉन 2.7 इनटू कितना हो जाएगा 100। ये सब सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद ठीक है आपका आंसर आएगा 43 का कौन सा 3.1%। ठीक प्रैक्टिकल टॉपिक भी ये देख लीजिए, छोटी छोटी चीजें हैं। 44 टू पैरेलल वायर्स ऑफ लेंथ 10 मीटर ईच सेपरेट बाय डिस्टेंस 0.1 मीटर इफ दे कैरी इक्वल करंट सेम डायरेक्शन एग्जर्ट टोटल फोर्स ऑफ इतना देन द वैल्यू ऑफ करंट, वैल्यू ऑफ करंट क्या हो जाएगा, तो ये देखो एफ इज इक्वल टू क्या होता है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 L/Y कितना हो जाएगा R, सब कुछ दे दिया गया है वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है आप यहां से फाइंड कर सकते हैं 44 का कौन सा हो जाएगा 0.1। 45 में द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ड्यूट्रॉन इज 2.2। आप जानते हैं ड्यूट्रॉन से अल्फा पार्टिकल कैसे बनता है 1H2 + 1H2 मिलके क्या बनता है 2HE4 बनता है, क्या बनता है 2HE4। ये देखिए 1H2 + 1H2 मिलके क्या बनता है 2HE4 बनता है, देखिए 1H2 + 1H2 मिलके। तो कह रहा है कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ड्यूट्रॉन इतना इसका, फिर कहा जा रहा है कितनी एनर्जी रिलीज होगी, तो एनर्जी रिलीज क्या होती है आप जानते हैं एनर्जी रिलीज, ठीक है इसका एनर्जी कितना है 28 माइनस इसका कितना हो जाएगा 2 × 2.2 यानी 28 माइनस कितना हो जाएगा 4.4 यानी 4.4 का मतलब 23.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 45 के बाद 46 चलते हैं बेटा। 46 क्या करा द फॉलोइंग सर्किट डायग्राम करंट थ्रू द रेजिस्टर इज, ठीक है 5 ओम रेजिस्टर। तो बेटा आप जानते हो बैटरी की एक प्रॉपर्टी होती है उसकी पॉजिटिव टर्मिनल से जितना करंट निकलता है निगेटिव पे उतना करंट जाता है। ये देखो अगर यहां से करंट निकलेगा, ध्यान देना यहां से अगर करंट निकलता है तो ये देखो ऐसे अगर करंट निकलेगा तो ये करंट आ गया। यहां से करंट निकलेगा ऐसे करंट आ जाएगा। अब इसमें कोई करंट नहीं जाएगा, ठीक है तो इसलिए करंट इसमें क्या होगा जीरो होगा, इसमें जो करंट होगा वह जीरो होगा। फिर क्या करा है 47 करा है ट्रांसफार्मर यूज टू लाइट 100 वाट। इसका मतलब ये आउटपुट हो गया, आउटपुट पावर हो गया, देखिए आउटपुट पावर हो गया 110 वोल्ट। और ये देखिए द मेन करंट एंड वोल्टेज आर इतना रिस्पेक्ट देन द इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, ये आपका आईपी हो गया, ये आपका प्राइमरी का वोल्टेज हो गया, ठीक है ना। तो इफिशियंसी कह रहा था इफिशियंसी इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन, ये देखिए आउटपुट अपॉन कितना हो जाएगा इनपुट इनटू 100 हो जाएगा। ये देखिए इफिशियंसी आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू कितना हो जाएगा 100। तो आउटपुट की वैल्यू कितनी है भैया, ये देखिए आउटपुट है 100 वाट, इनपुट कितना हो जाएगा 0.5 × 220 × 100 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे 90% आएगा, कितना आएगा 90। 47 के बाद 48 चलते हैं। ये देखिए 48 क्या कह रहा है इफ द विड्थ ऑफ स्लिट इज इंक्रीज यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड फ्रिंज विड्थ रिमेन, अरे भाई कैसी बात कर रहे हो, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा डी बाई डी है। तो अगर ये बताओ विड्थ ऑफ स्लिट इंक्रीज कर रहे हो तो क्या बीटा पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इसका मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट गलत है। स्टेटमेंट सेकंड है द स्लिट इज सफिशियंटली वाइड, मतलब खूब वाइड हो जाए। आप जानते हैं कि वाइड एसी होने के लिए वेवलेंथ लगभग स्लिट के विड्थ के बराबर होना चाहिए, लैम्डा लगभग मतलब लैम्डा का मतलब होना जो स्लिट की विड्थ होती है, मतलब दो स्लिट के बीच की डिस्टेंस नहीं स्लिट के विड्थ के लगभग बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब स्टेटमेंट क्या करने का इज पार्ट गिव ए पैटर्न विच ओवरलैप, हाँ ओवरलैप करेगा, ठीक है मतलब फ्रिंज मिलेगा नहीं, सही नहीं मिलेगा, एक दूसरे से ओवरलैप करता हुआ मिलेगा। तो स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, स्टेटमेंट सेकंड क्या है गलत है। फिर चलते हैं 49 पे इफ द विड्थ ऑफ स्लिट रेशियो, देखिए विड्थ ऑफ स्लिट रेशियो क्या कर रहा है अनादर स्लिट, इफ द विड्थ ऑफ वन स्लिट इज डबल टू द अनादर स्लिट द यंग मॉडुलस स्लिट एक्सपेरिमेंट देन द रेशियो ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी टू मिनिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी टू मिनिमम इंटेंसिटी, ठीक है कह रहा है इफ द विड्थ ऑफ वन स्लिट इज डबल टू द अनदर स्लिट, ठीक है। तो आप जानते हैं इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है स्लिट विड्थ होता है, तो आई वन द विड्थ ऑफ वन स्लिट अनदर स्लिट 2i है, तो आई टू कितना होगा भैया आई टू कितना हो जाएगा आई हो जाएगा। अब देखिए हमको आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम का रेशियो चलना है, तो आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम क्या हो जाएगा √i1 + √i2 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो स्लिट विड्थ इफ द विड्थ ऑफ वन स्लिट इज डबल टू द अनदर, ये क्या हो रहा है भाई √2 + 1 कितना हो जाएगा √2 + 1 √3, √2 - 1 हो गया ना, क्या गड़बड़ हो जा रहा है। इफ द विड्थ ऑफ वन स्लिट इज डबल टू द अनादर स्लिट इन YDSC, एक मिनट आप जानते हैं इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है स्लिट विड्थ के होता है,
स्लिट विड्थ के स्क्वायर का नहीं होता ना, स्लिट विड्थ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है तो बेटा, कुछ कुछ क्वेश्चन में कुछ दिक्कत लग रहा है, देख लेंगे। तो अब चलो 50 क्या रहा है, प्योर सिलिकॉन वेफर ऑफ द डोप विथ एल्युमिनियम, एल्युमिनियम द नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ एक्सेप्टेड एटम इज अप्रोक्सीमेटली इतना। ठीक, फिर कह रहा है सेमीकंडक्टर, तो ये देखिए होल एनएच दिया है, ये क्या दिया है एनआई दिया है, तो आप जानते हैं किसी भी सेमीकंडक्टर में एनी एनएच इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनआई का स्क्वायर। ठीक है, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है यानी एनी निकालना है, तो एनआई का स्क्वायर अपॉन एनएच रख दो। ये देखो एनी एनएच दिया ही है, एनआई का स्क्वायर अपॉन एनएच रख दो, सॉल्व करो कुछ ना कुछ आएगा। 50 का कौन सा रहा है भैया, 50 का आपका ये डी वाला है। ठीक है ना बेटा, तो ये क्या हो गया, तो 50 क्वेश्चन होगा, इसको हम देख लेंगे क्या करा है, क्यों गड़बड़ हो जा रहा है। ठीक है ना बच्चा, तो बाकी आपका ये 50 क्वेश्चन डिस्कस हो गया। ठीक है, अब कल अगले मॉक टेस्ट की तैयारी करते हैं, तो मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट 2 में। थैंक यू।